आज की डेट में बिहार एलआरसी से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिस आई जिसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं। और कल के डेट में जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड नोटिस आई थी मैंने आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था, और उससे रिलेटेड भी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको सभी कुछ मिलती रहती है, आगे भी मिलती रहेंगी। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी कुछ डिटेल्स में एक एक करके आपको बताते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा। टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे केकेएस इंडियन तो भी मिल जाएगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में एक लिंक होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो आपको ये मिल जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ अगर व्हाट्सएप पर आप अपडेट चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसको सेव करके उस पर आप एक मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करोगे सभी लिंक्स वगैरह आपको तुरंत रिसीव हो जाएंगे, तो उस पर भी क्लिक करके आप सभी जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी कुछ डिटेल्स में आपको एक एक करके बताते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूजन्स है कि अभी आने वाले दिनों में जो 3 तारीख को उनका ज्वाइनिंग लेटर्स मिलेगा जिला मुख्यालय में, तो कहाँ पर मिलेगा, तो उससे रिलेटेड आज की डेट में यहाँ पर देखोगे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से 28/6/2024 के डेट में ये नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि मेंशन था कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2024 को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के नियोजन पत्र वितरण समारोह एवं जिलों में कार्यक्रम के आयोजन हेतु दिनांक 29/6/2024 को 12 बजे मध्यान्ह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आउट बैठक में भाग लेने के संबंध में, तो 29/6/2024 यानी कि आज के डेट में 12 बजे से ही मीटिंग्स हो गया होगा और हो चुका है। इससे रिलेटेड एक अपडेट भी आपको सामने देखने के लिए मिल रही कि आप लोगों को जो ज्वाइनिंग्स होगा जिला में, यहाँ पर अगर आपको नोटिस मिलता है या आपको बताया जाता है कि आपको यहाँ पर आना है तो उस केस में आपको वहाँ पर जाना होगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उस केस में आपको बंदोबस्त पदाधिकारी का कार्यालय जिला मुख्यालय में जहाँ पर भी होगा उसको सेटलमेंट ऑफिस भी बोलते हैं या बंदोबस्त कार्यालय भी बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर आप पहुँच करके अपना जानकारी ले सकते हैं। ये जो लेटर है यहाँ पर आप देखोगे सभी समाहर्ता, सभी अपर समाहर्ता और सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को ये भेजा गया जिला मुख्यालय में। मैक्सिमम केस में होगा कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट अलर्ट हुआ वहाँ के डीएम के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर्स मिलेगा, या तो हो सकता है उनके जो भी बंदोबस्त पदाधिकारी है उनके द्वारा दिया जा सकता है। तो ये आज की जो मीटिंग्स हुई होगी उसी में डिस्कस हुआ होगा कि किसको कौन देना है। इससे रिलेटेड एक गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये ऑफिशियल्स यहाँ पर अपडेट दी जा रही है, जिसमें कि आप देखोगे आज दिनांक 29/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत नवनियोजित संविदा कर्मियों के नियोजन पत्र वितरण समारोह एवं जिलों में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम भारतीय प्रशासनिक सेवा ने भाग लिया। उक्त बैठक में जिले के में की जाने वाली नियोजन पत्र वितरण समारोह के बारे में उचित दिशा निर्देश दिए गए। महोदय ने बताया कि नवनियोजित संविदा कर्मियों जिसमें ASO के 10 हैं, ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो भी जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है ये उनके लिए अपडेट है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जिसको भी अलॉट हुए हैं उनके लिए ये अपडेट्स है। ASO में 10 है, कानूनगो के 20 है, लिपिक के यहाँ पर 23 है और अमीन के 273 लोग का नियोजन पत्र जिले के शहर में स्थित अंबेडकर भवन में 3 जुलाई 2024 को सुबह 8 बजे से वितरण किया जाएगा, जिससे के लिए जो नियोजित कर्मियों को अपने साथ समिति द्वारा आयोजित परीक्षा का प्रवेश पत्र, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको लेकर के जाना है, जो BCC बोर्ड में जो भी आप यहाँ पर एग्जाम्स दिए थे उसका एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और आधार कार्ड मूल एवं फोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा। नियोजित कर्मी अपना नियुक्ति पत्र लेकर दिनांक 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई 2024 तक बंदोबस्त कार्यालय थावे में अपना योगदान देना सूचित करेंगे। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता शिशि श्री आशीष कुमार सिन्हा एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मनकेश्वर कुमार उपस्थित थे। तो अपडेट यही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ये इसी तरीके का जो लोकेशन वो अगर अलॉट किया जाएगा कि इस लोकेशन पर आपको आना है वहाँ पर आपको दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, लेकिन अगर कोई आपको नहीं पता है तो उस केस में जो बंदोबस्त कार्यालय है वहाँ पर आप लोग विजिट करिएगा और वहाँ से आप वहाँ पर अगर मिलेगा तो वहीं पर, या तो वहाँ पर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये बंदोबस्त पदाधिकारी कार्यालय सेटलमेंट ऑफिस आपको ज़रूर से विजिट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सभी जगह रहता है होगा तो वहाँ पर आपको जाना होगा। लेकिन अगर DM के द्वारा दिया जाएगा तो आपको दूसरे जगह लोकेशन पर भी मिल सकता है। बंदोबस्त कार्यालय में बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा अगर दिया जाएगा तो इसी कार्यालय में मिलेगा, लेकिन अगर बंदोबस्त कार्यालय के अलावा अगर DM ऑफिस या
आपको अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना होगा तो उस केस में आपकी लोकेशन से अलग हो सकती है। तो हो सकता है इनसे रिलेटेड अगर कोई मैसेज वगैरह उनके तरफ से आती है तो आपको मिल जाएगा अपडेट, या अगर कोई नोटिस आती है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बोलेगा कि अलग अलग अपना लोकेशन चूज करके नोटिस निकालने के लिए, तो उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर से रखिएगा, जिनसे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और जो भी मैंने वीडियो में दिखाया आपको सभी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा, और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। और अभी जो है टेस्ट बुक पर ऑफर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से, जिसमें कि अभी प्राइस यहाँ पर कम हो चुकी है, और ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे PKO3PL तो और भी जो है प्राइस यहाँ पर कम हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, पास प्रो या ईयरली मंथली या लाइफ टाइम जो भी आप बाई करना चाहते हैं यहाँ से ज़रूर से कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बिहार में भी JEE की वैकेंसी आने वाली है, तो आप यहाँ पर बिहार JEE का भी टेस्ट यहाँ पर सीरीज लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और जो भी आपका अलग अलग स्टेट JEE हो गया या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में RRB JEE होगी, सभी की टेस्ट बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो भी मॉक टेस्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सभी आप सिंगल पास बाय करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑफर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से यहाँ पर बाय करके यहाँ पर अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फोन में पहले से होगा तो ये कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL, तो भी आपका प्राइस जो है कम हो जाएगा।